यानी अभी तक जो 5 और 20% के बीच का सबसे बड़ा गैप था उसे हटाकर टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन इसी बीच में बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत ज्यादा इस समय मार्केट के अंदर उथल फुथल है। शेयर बाजार 450 अंक नीचे चल रहा है इस समय। मार्केट के अंदर जो उथल फुथल दिख रही है उसमें बड़ी बात यह है कि शुरुआत हुई है गांव गरीब और किसान पर फोकस कर इस बजट की। गांव गरीब किसान में सबसे पहले बात किसान बजट की हुई है, जिसमें कई बड़ी अनाउंसमेंट हुई है किस तरह से आप आने वाले कुछ वर्षों के अंदर खासकर टारगेट लेकर चल रहे हर किसी को घर देने और किसानों की आय दुगनी करने के बीच कई बड़े नए ऐलान हुए हैं। कैसे जल संकट दूर किया जाएगा हर जिले से किसानों तक, किस तरह से वेयरहाउस पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे, खाद का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा, यहां तक कि बीमा योजना के भी 6 करोड़ किसानों के लाभ देने की बात कही गई है। ऑनलाइन भी अब कुछ ऐसे पोर्टल तैयार किए जाएंगे। कृषि उड़ान योजना की शुरुआत होगी जल्द। जीरो बजट जो कृषि का पिछली बार शुरू हुआ था उस पर फोकस रखते हुए फिलहाल किसान रेल बनाई जाएगी, जिससे कि पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। फिलहाल हर किसी को सस्ता घर मुहैया कराया जाए इस पर ध्यान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों पर खासकर जोर रहेगा। 2025 का टारगेट सेट किया गया है दुग्ध उत्पादन को दुगना करने के लिए। इसके अलावा 16 सूत्रीय फॉर्मूला किसानों के लिए रखा गया है। जीडीपी अनुमान 10% तक बताया गया है, हालांकि 5% पर हम टिके हुए हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए कई चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल टीबी की बीमारी को कैसे 2025 तक खत्म किया जाएगा इसको दरअसल ध्यान में रखा जाएगा। और इसके अलावा भी हर घर तक शुद्ध पानी देने के लिए योजना पर जोर दिया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी जल्द इंट्रोड्यूस की जाएगी और स्टडी इन इंडिया को फोकस में रखा जाएगा। हेल्थ के लिए 69,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, स्वच्छ भारत के लिए 12,000 करोड़ का, बल्कि इसके लिए 12,300 करोड़ दिए जाएंगे। एजुकेशन के लिए 99,000 करोड़, महिलाओं के लिए जो कार्य जुड़े हुए हैं उन पर 28,000 करोड़, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़, इसके अलावा कश्मीर लद्दाख के लिए अलग से बजट यानी कि लद्दाख के लिए अलग से फंड दिया जाएगा 5,900 करोड़ का, और जम्मू कश्मीर के लिए 30,000 करोड़ का। सरकारी बैंकों से जुड़ी खबर यह है कि 3,50,000 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि LIC के अंदर उसका एक बड़ा हिस्सा वो बेच देगी, IDBI में भी अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचेगी। है RB उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है।